कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का और आज जनसभा भीखा बहन जी का क्या कुछ कहेंगे? मैं डुमरियागंज से दावेदारी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पत्रकार मित्र भाई, मैं डुमरियागंज से अधिकृत प्रत्याशी हूँ बहुजन समाज पार्टी का, और वहाँ पे जो समीकरण है वो बहुत साफ और साफ संदेश दे रहा है। वहाँ मुस्लिम मतदाता, दलित भाई हमारे, और जो पिछड़े ब्राह्मण हैं, पिछड़े राजपूत हैं, अपर क्लास भी जो बहुत गरीब हैं, जिनकी तरफ कोई अपर क्लास नहीं देखता, अपर क्लास मतलब हो गया वही ऊपर ऊपर जिसको दिखाई देती है फॉर्चूनर और जिसकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तो वो सारे मतदाता एकजुट होकर हमारे साथ लगे हुए हैं और हमको सम्मान, हमको सब जो है और साथ दे रहे हैं, और आने वाले 25 साल तारीख में उनका संकल्प है, उनका वादा है कि एक बार नया, ये 15 साल से जो लोकसभा डुमरियागंज के सांसद हैं उनको रिप्लेस करके मोहम्मद नदीम मिर्जा बसपा प्रत्याशी को न्याय जिम्मेदारी। वहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं बसपा लड़ाई में नहीं है, क्या? देखिए, ऐसा होता है कि कुछ ज़रूरी नहीं होता है कि अगर तेंदुलकर बैटिंग करने जाए, क्रिकेट और राजनीति एक अपवाद है जिसमें कोई चीज़ श्योर नहीं होती है, तो अगर बैटिंग करने उतरे हैं तेंदुलकर तो ये कि कोई आज तक नहीं माइका लाल कह पाया कि सेंचुरी बना के ही आएंगे जी, जीरो पे भी आउट होते हैं और हुए हैं जी। उसी तरह राजनीति का एक मामला है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका जो है डिसीजन जनता लेती है और जनता तय करती है कि किसको हमको जनप्रतिनिधि बनाना है, तो जनता ने तय कर लिया है। इस बार बसपा को हाथी निशान पर बटन दबा कर इन मुद्दों को लेकर आप इसमें मैदान में, हमारे वहाँ शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन और बाढ़ प्रमुखता से यही मुद्दे हैं, और इन्हीं का हमने वादा किया कि अगर हम जीते, सरकार किसी की भी हो, सरकार का में काम करना थोड़ा आसान ज़रूर होता है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि हैं या सांसद हैं आप किसी क्षेत्र के, या विधायक हैं किसी क्षेत्र के, तो आप अगर काम करने के इच्छुक हैं तो आप वो अपने डिलीवरी आप दे सकते हैं, उनको आप जो है काम करके दिखा सकते हैं। ठीक ठीक है। संत कबीर नगर में जिस दिन पहले दिन से घोषित किए गए हैं सैयद नदीम अशरफ साहब हमारे बसपा के प्रत्याशी, समीकरण उसी दिन से पूरा बदल चुका है जी। हाँ, एकदम कहीं को किसी की नहीं है, जो ये भ्रमित फैला रहे हैं कि गठबंधन लड़ रही है, गठबंधन लड़ रही है, गठबंधन का भाई साहब वोट ही नहीं है वहाँ, क्यों? उसके भी वजह बता दूँ, जो निषाद समाज हमारा 1.5 लाख वोटर है उस पर 2 निषाद लड़ गए हैं, और 6.5 लाख वोटर मुसलमान भाई हैं और दलित भाई 4.5 लाख वोटर हैं, और जहां तक कि विकास की बात है वो घर का बेटा ही कर पाएगा, कोई बाहरी नहीं कर पाएगा, तो समीकरण एकदम दुरुस्त है, जनता की वहां इन लोगों से त्रस्त है, बस आप 4 जून का इंतजार करिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। लगातार सरकार इस बात को कहती आ रही है कि हमने राशन दिया, आवासीय योजना लेके आए, आयुष्मान भारत योजना लेके आई, बुनियादी ज़रूरतों हैं वो लगातार सरकार इस बात को कह रही है हमने पूरा किया, कमी क्या रह गई? कमी अभी बता दे रहा हूँ, जब सरकार के आने से पहले जिन मुद्दों पर ये घुस के आए, एक इन्होंने रास्ता बनाया, हम लोगों का वोट लिया किन मुद्दों पे, कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी दर घटवा देंगे, रोजगार खूब दे देंगे, और क्या क्या अन्य मुद्दों पे आए, ठीक है, 15 लाख रुपयों दे देंगे, आजकल कोई रुपया पाया ही नहीं, तो इन मुद्दों पे सरकार में जनता ने विश्वास किया, उसके बाद सोच लीजिए कि 10 साल ठगे रह गए, महंगाई चरम पे पहुँच गई और रोजगार सबका छीन लिया गया, और जो बचा कुचा इन्होंने दिया, जब जनता हल्ला मचाई है, यहाँ पे शोरगुल की है कि तुम क्या कर रहे हो, तो दुबिया ने कहें कि 4 साल की हम नौकरी देंगे, तो कहीं ये टिक नहीं रहे हैं ना, इनके पास कोई समय, जितने वर्ग के साथ इनके लोग थे, जितने समाज के थे, सब साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि इससे त्रस्त है। किन किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में चलो है, आप मैदान में हैं? बताया ना कि जो संत कबीर नगर का आप अगर बात करोगे तो उसको पिछड़ा बनाने में इन लोगों का एकदम योगदान होगा, क्योंकि जब बहन जी की सरकार में थी तो उसको जिला बना के विकास की गति तेज कर दी थी, और जैसे ही हमारी सरकार हटी इन लोगों ने उसको पूरा पिछड़ा कर दिया। आज खजनी और आलापुर धनगटा का हाल देखिया, जो बहन जी ने इसको विधानसभा और तहसील बना के विकास की गति देती थी, आज सड़कें नहीं है वहाँ, जो सड़कें उस जमाने में 2012 के पहले बनाई गई थी भैया गड्ढा हो चुका। राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में बता रहे हैं कि सालाना जो है महिलाओं को 1 लाख रुपए दे रहे हैं और तरह तरह की जो है बात, यही सब लोग लालच दे के लोग यहाँ की जनता को परेशान कर रखे हैं जी। ये नहीं कोई बात कर पा रहा है कि जनता को चाहिए क्या हिंदुस्तान के, ऐसे अमरीका बनेगा हमारा देश?
भैया जब वहाँ का हर आदमी पढ़ा लिखा रोजगार से एकदम बंदोबस्त होगा उसका, सब लोग होंगे तब होगा। 1 लाख रुपया आपको दे दूँ कितना दिन आप चलाओगे? 5 साल सरकार में रहोगे, फिर कोई और सरकार, फिर बंद हो गई। तो हमारे भविष्य के लिए जो बात करेगा हम उसका साथ देंगे। और आज बहन जी की जो नीतियां और विचार हैं बसपा पार्टी की, वो इसी दिशा में है। आज आप कितनों साल से देखो कि मूवमेंट हम लोगों का मान्यवर काशीराम चलानी जी का हुआ था कि आज हर आदमी रोजगार में है। उसके बाद आप कांग्रेस की बात कर रहे हो। जब जब हम लोगों ने, मुसलमान भाइयों ने कांग्रेस को, सपा को वोट देने का काम किया है, तब तब ये इनके नेता और मंत्री विधायक जो बने हुए हैं भाजपा के जाके गोद में बैठ गए हमारे वोट से। हमारे मुसलमान भाइयों को ये वोट बैंक समझ के रखे हुए हैं। तो राम मंदिर दिखा रहे, राम मंदिर गिना रहे हैं, बता रहे भाजपा। कौन दिखा रहा? भाजपा के लोग। तो भैया मंदिर वो कोई मुद्दा थोड़ी, राजनीतिक मुद्दा, आस्था है, आस्था का प्रतीक है। आप लोग जाइए, जो भी हमारे हिंदू भाई वहाँ जाके पूजा पाठ करेंगे, ना कि उस पर मुद्दा, उस मंदिर पर वोट करेंगे। क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का क्षेत्र? रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि जनता बड़ी त्रस्त हो चुकी। जनता अपना बेटा ढूंढ रही थी, बेटा भी मिला, ऊपर से बहन जी की नीतियां और विचार भी मिला। जो विकास संत कबीर नगर का रुक चुका था 2012 में, उसको फिर आगे गति देने का सैयद नदीम अशरफ साहब काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मुद्दा तो 10 साल में आपने देखा है, जिस तरह से बीजेपी की सरकार रही है तो मुद्दों की भरमार आ गई है। हमारी बहन जी ने कहा कि इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी में आपसे आपको ऐसे समझा दूं कि 45 साल के भारतीय इतिहास में बेरोजगारी की इस समय जो दर है वो सबसे अधिक है। बताइए, एक तरफ मोदी जी बात करते हैं कि बिल्कुल विकसित भारत हो गया है, आईना ऐसा दिखाया जा रहा है कि हम बिल्कुल डंका फिर रहे हैं पूरी दुनिया में, और दूसरी तरफ बेरोजगारी की जो रिपोर्ट एक आई है वो 45% मतलब 45 सालों से सबसे अधिक। तो पहला मुद्दा हमारा है कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो बेरोजगारी दर को मिटाना है, उनको रोजगार की नई व्यवस्था करना है। दूसरा देखिए शिक्षा व्यवस्था, आज जो भी लोग शिक्षित हैं आप देख रहे हैं नौकरियां बिल्कुल नहीं मिलती उनको। अगर वो नौकरी मांगने जाते हैं, BTC जो है, BEd है, MEd है, उनको देखिए लाठियों से बरसाया जाता है। यहाँ तक कि जिन राज्यों को आप बीमारू राज्य कह रहे हैं वो भी जहाँ है 1.5-2 लाख नौकरियाँ दे चुके हैं, आप समझ रहे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश एक राज्य है, पैसा है, धन की कमी नहीं है, लेकिन उसमें भी लोगों को मजबूर है। तो भारत संकल्प यात्रा भी निकाली थी और बता रही है विकसित करेंगे। देखिए ये तो आप समझ रहे हैं कि मोदी जी का जो एक PR मैनेजमेंट होता है, कुछ एडवर्टाइजमेंट जो आप ज़्यादा चमकाते हैं, दिन रात मीडिया में चलता है, रोड पे चलता है ना, तो उससे जनता भ्रमित हो जाती है। वो नहीं समझ पाती कि हमारे मेन मुद्दे क्या कह रही है संत कबीर नगर की जनता। संत कबीर नगर की जनता बेहाल है, त्रस्त है 10 साल बेरोजगारी की, मतलब शिक्षा पे। दूसरा चिकित्सा व्यवस्था, आप देख रहे हैं कि सारे कई जिलों में मेडिकल कॉलेज है लेकिन उपेक्षा इन्होंने संत कबीर नगर जिले की ही की। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ सरकार से आखिर क्यों वो जिला उपेक्षा किया गया? इसलिए किया गया है कि वो बहन जी की देन थी, वो जिला विकास अच्छा खासा हो रहा था, तो ऐसी जगह को ये लोग जो है, और समीकरण भी आप देख लीजिए किस तरह का है, तो इशारा भी काफ़ी होना चाहिए कि ये लोग इस तरह से इस जिले को छोड़ दे रहे हैं जहाँ उनको लगता है हम जीत जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो समीकरण है दलित समुदाय का, अल्पसंख्यक समुदाय का, आप देख लीजिए इतने वोटर है, पूरा हमारी तरफ। बाकी जहाँ मैं 5 विधानसभा जो हमारी लगती है वहाँ मैं गया था, जनता का भरपूर प्यार मिला। आप युवा हैं, बिल्कुल आश्वस्त हूँ, आप युवा हैं, युवा पे बहुजन समाज पार्टी ने भरोसा जताया है, जो प्रत्याशी युवा दिए हैं मंडल में, लगातार सरकार का भी कहना रहा है, प्रधानमंत्री भी कहते रहे कि आने वाले दिनों में युवा देश का भविष्य, युवा ही विकास कर सकता है, देश के 60% तक युवा है। आप युवा होने के नाते युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए युवाओं के लिए मैंने भी आपसे पहले ही कहा कि जो बेरोजगारी दर है, आखिर युवा ही हैं जिन्होंने इंटर कर लिया है, BA कर लिया है, MA कर लिया है, तो उनको अब नौकरी चाहिए। लेकिन सरकार जो ये है भारतीय जनता पार्टी, ये केवल पेपर लीक करा के, और वो भी एक सोची समझी साजिश कर। आप देख रहे होंगे कि जब भी कोई भी पेपर उत्तर प्रदेश में निकलता है वो लीक जरूर होता है, उसके बाद 6 महीने की वो डेट दे देते हैं और फीस भी रिफंड नहीं होती है। जो गरीब घर के बच्चे हैं जो फीस दे के उसमें आते हैं वो, तो ये एक तरह से ये ठगा जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि पकौड़ा तलना, होटल खोलना, चाय बेचना, प्रधानमंत्री ने खुद चाय बेची तो रोजगार बताइए। मैं आपको बता दूं ये कोई रोजगार नहीं होता है, ये जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो भी जो लोग अगर बेरोजगार रहते तो ये खुद वो बेरोजगार आदमी जो कहीं रोजगार नहीं पाता था वो जाके अपना ठेला घर के पैसे से खेत बेच के ये
ये सब दुकान लगाता था, लेकिन बीजेपी के पास आज कोई मुद्दा नहीं। जब वो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो देख रहे हैं कि कोई आदमी ठेला लगाया हुआ है, चाय का लगाया हुआ, पकौड़ा का लगाया हुआ, जलेबी का लगाया हुआ, उसको भी वो अपने रोजगार में गिन रहे हैं। तो आप समझ जाइए ये सब कैसी चीज़ है, देश कहाँ हमारा जा रहा है। ठीक सर, धन्यवाद।